हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ, स्पाइनल स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ देवेंद्र जी हैं, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की थोड़ी कंप्लेंट थी, और इनका क्योंकि सिटिंग जॉब है, कंप्यूटर पर बैठते थे काफ़ी देर, इसकी वजह से इनका स्पॉन्डिलाइटिस स्टार्ट हुआ, और उसकी वजह से गिडीनेस रहती है, जो थोड़ा सा चक्कर जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा अनइजीनेस, बैलेंसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होना, वो इनकी कंप्लेंट थी। अभी बात करेंगे पहले देवेंद्र जी से कि अभी इनका जो ओवरऑल क्या इनका एक्सपीरियंस है और क्या प्रॉब्लम थी। जब मैं यहाँ इनिशियली आया तो मेरे को ग्रिडीनेस और बैलेंसिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो फर्स्ट सीटिंग के बाद ही थोड़ा सा मुझे इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ, और अब 3 सीटिंग हो चुकी हैं और 3 सीटिंग के बाद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और हालांकि मैंने अपनी थोड़ी हैबिट्स भी चेंज की हैं, कुछ सीटिंग मेरा ज़्यादा था वो थोड़ा रिड्यूस किया है, तो आई एम नाउ फीलिंग क्वाइट बेटर देन अर्लियर। तो जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि इन्होंने थोड़ी हैबिट चेंज की हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इफ़ यू हैव ए सिटिंग जॉब, स्पेशली सिटिंग ऑन द सिस्टम कंप्यूटर, तो उसमें आपको स्क्रीन को थोड़ा ऊपर रखना होता है, और जो आपने काम करना है उसको सर को सीधा रख के आइज डाउन आइज अप करके काम करना है, और कोई भी आपका पॉस्चर जो है वो ही इसका मेनली रीज़न होता है। जब आप सपोज बहुत ज़्यादा ऊँचे तकिए लगा के सोते हैं तब भी आपको स्पॉन्डिलाइटिस होने की कंप्लेंट रहती है, या आपका कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा काम है। तो गिडीनेस जिसको हम चक्कर बोलना पे कहते हैं या बैलेंसिंग खराब करना कहते हैं, ये भी सर्वाइकल की वजह से होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ये जो चक्कर हमें आ रहा है ये क्यों आ रहा है, गिडीनेस हो रही है क्यों हो रही है, और उसका वो सही ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई इशू है तो सबसे पहले अपने सर्वाइकल का ध्यान रखिए और सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कराइए। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के थ्रू हम सर्वाइकल को एडजस्टमेंट करते हैं पॉस्चर को इम्प्रूव करने के लिए, आपका पॉस्चर इम्प्रूव होता है। उसके बाद कुछ स्टैटिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, जो आपने करनी होती हैं। तो सबसे पहले अपने नेक का पॉस्चर का ज़रूर ध्यान रखें। एक ट्रीटमेंट हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट अभी आपको करके दिखाएंगे कि सर्वाइकल के केसेस में हम क्या एडजस्टमेंट देते हैं। आइए सर, तो C5 C6 को इनको एडजस्ट करना है हमने, बिल्कुल नेक को ढीला रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे, बिल्कुल ढीला रखेंगे, इधर भी बिल्कुल ढीला छोड़ दिए, टाइट नहीं रखना, टाइट नहीं करना है, और ढीला छोड़िए सर। इसके बाद थोड़ा सा फोर आर्म ग्लाइड देंगे C1 C2 को, और ढीला छोड़ दिए सर। हाँ बिल्कुल, द एडजस्टमेंट फॉर द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इन केस ऑफ वर्टिगो एंड गिडीनेस वी डू दिस एडजस्टमेंट। सो एज आई टोल्ड यू, इफ यू हैव एनी सिमिलर सिम्टम्स यू कैन डू लॉट ऑफ सर्वाइकल एक्सरसाइजेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू कीप योर नेक स्ट्रेट। इन सर्वाइकल एक्सरसाइजेस यू हैव टू अवॉइड ऑल द रोटेशनल एक्सरसाइज, ओनली यू हैव टू डू स्टैटिक एक्सरसाइजेस। यू हैव टू कीप योर हैंड वन साइड ऑफ योर हेड एंड यू हैव टू प्रेस योर हैंड with the head and count 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Similarly, you have to keep the hand other side, you have to press your hand with the head and hold for 10 count. Same way you have to press it backward. These three directional exercises you have to do, static exercises. So then you can control your muscles, you can strengthen your muscle. Thank you viewers for watching a video and thank you for appreciation of our. Please do subscribe our channel and press the bell button so then you can get the new videos all the time. Thank you very much. Thank you, Devendra ji.